सर 3.6 का मतलब सेकंड क्वेश्चन है, 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल टू -1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो आप क्या करें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, 1 अपॉन रूट एक्स को यू और 1 अपॉन रूट वाई को वी प्लेस कर दें। तो बच्चे ये पहली इक्वेशन आ जाएगी 2u + 3v = 2, और ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 4u - 9v = -1। अब इन दोनों को सोल्व करना है हमें u और v की वैल्यू के लिए। एलिमिनेशन मेथड लगा दें, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 2 कर दें अगर हम, तो यहाँ 4u हो जाएगा +6v = 4, और ये 4u पहले से ही था, इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अरे 4u पहले से ही था, इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। -9v = -1, बच्चे माइनस ये प्लस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, 15v = 5, तो v = 1/3, 5/15। ठीक है बेटा, इसे पुट इन फर्स्ट कर दें आप, फर्स्ट में से पुट करोगे तो 2u + 3v की जगह आ जाएगा 1/3 = 2, ये इससे कैंसिल, 2u + 1 = 2, तो ये 2u = 1 आ गया और u = 1/2। अब आपको u और v की वैल्यू तो निकालनी नहीं थी, आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, x और y की। नाउ 1/√x = u था, दैट इज 1/√x = u की वैल्यू आई 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके √x = आ गया 2, और x = 2 का स्क्वायर करके क्या आ गया, 4। एक तो आंसर ये है। अगेन 1/√y = v था, 1/√y, v की वैल्यू क्या है आपकी, 1/3, तो √y = क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 3, तो बेटा y = क्या आ जाएगा, 9। एक आंसर आ गया ये। ठीक है बच्चे, इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ध्यान से देख लो। इसका थर्ड पार्ट है 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। बच्चे ध्यान से देखो, इसमें y जहाँ होना चाहिए y वहीं है, y की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस इसमें x की है, x डिनोमिनेटर में है, तो इसमें दोनों को पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पुट कर दें 1/x = u, दैट इज 4u + 3y, y को y रहने दे, वो अपनी जगह सही है, ये 3u - 4y = 23। अब देखो बेटा, फर्स्ट में u का कोफिशेंट है 4 और यहाँ क्या है 3, तो मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट बाई 3 एंड सेकंड बाई 4, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 12u + 9y = 42, इसे हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, 12u - 16y = 92, -++, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 25y = -50, तो y = आ गया -2, इसे पुट इन फर्स्ट कर दें, 4u + 3y की जगह -2 = 14, बच्चे ये 4u - 6 = 14 हो गया, तो ये 4u = आ जाएगा आपका 20 और u = आ जाएगा आपका 5, लेकिन आपने u नहीं निकालना था, y तो निकालना था, ये तो आंसर है। नाउ 1/x = था u, तो 1/x = क्या आ गया 5, तो x = क्या आ गया 1/5, x भी आ गया y भी आ गया, दोनों आंसर। फोर्थ पार्ट देखो इसका, इसका फोर्थ पार्ट है बेटा 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 और 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। बच्चे देखो,
इसमें x और y की जगह डिनोमेटर में x माइनस वन आ रहा है यहाँ दोनों जगह, और यहाँ y माइनस टू आ रहा है दोनों जगह। तो इसमें पुट कर दें आप, वन अपॉन x माइनस वन को u और वन अपॉन y माइनस टू को v। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी 5u प्लस v इक्वल टू टू, और दूसरी 6u माइनस 3v इक्वल टू वन होगी। अब पहली इक्वेशन में u का कोफिशेंट क्या है 5 और दूसरी में 6, तो मल्टीप्लाई कर ले आप फर्स्ट बाय 6, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 30u प्लस 6v इक्वल टू 12, एंड सेकंड बाय 5, ये 30u माइनस 15v इक्वल टू 5, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये बचा बेटा 21v इक्वल टू 7, तो v इक्वल टू 1/3 आ गया। पुट इन फर्स्ट कर दे, फर्स्ट ये रही 5u प्लस 1/3 इक्वल टू 2, अरे v की वैल्यू रख दी ना इसमें, तो 5u इक्वल टू आ गया 2 माइनस 1/3 मतलब 5/3, 5u इक्वल टू 5/3 तो u इक्वल टू 1/3 आ गया, u भी 1/3 v भी 1/3। नाउ 1/(x-1) इक्वल टू था u, और 1/(x-1) इक्वल टू हो गया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x-1 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, एक तो आंसर आ गया ये। अगेन दूसरा था 1/(y-2) इक्वल टू v, 1/(y-2) इक्वल टू v की वैल्यू है 1/3, तो y-2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या आ गया 5, एक आंसर आ गया ये। हाँ जी, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है बेटा इसका, 9x-2y अपॉन xy इक्वल टू है 5, 7x। बच्चे देखो इसे और करके आप 7x/xy माइनस 2y/xy इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, और करके ये x कट गया 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5, पहले जैसी इक्वेशन होगी, गिवन था ये। अगेन दूसरी चीज़ क्या गिवन है बेटा आपको, 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 5, इसे और करके 8x/xy प्लस बेटा 7y/xy इक्वल टू 5, ये x से x गया y से y गया, 8/xy प्लस 7 इक्वल टू 5। अब ये देखो ये दोनों इक्वेशन वैसी होगी जैसी हम सोल्व कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, चलो थोड़ा भद्दा सा ना लगे आपको, और करके से ऐसे लिख दूँ, माइनस 2/x प्लस 7/y इक्वल टू 5, और इसे 7/x पहले x वाला लिख लो प्लस 8/y इक्वल टू 5, समझ गए। अब इसमें पुट कर लो 1/x इक्वल टू यू और 1/y इक्वल टू वी, तो ये हो जाएगी माइनस 2u प्लस 7v इक्वल टू 5, और ये हो जाएगी 7u प्लस 8v इक्वल टू 5। आप सोल्व कर लेंगे इन दोनों को। हाँ जी, मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट बाय 7, इसे 7 से मल्टीप्लाई, माइनस 14u प्लस 49v इक्वल टू 35, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम किस से, मल्टीप्लाई एंड सेकंड बाय माइनस 2 कर लो ना डायरेक्ट ही, माइनस 2 से करोगे तो ये माइनस 14u हो जाएगा, ये माइनस का 16v हो जाएगा, ये माइनस का 10, अब ये प्लस, ये प्लस और ये प्लस, ये गया तब 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 एडिशन करना पड़ता, अब तो ये सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम, यहाँ सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं साइन बदल के, अगर प्लस 2 से करते तो फिर एडिशन करना पड़ता, समझ में बात आई, एक ही बात थी, एक ही बात थी, 65u v इक्वल टू 40 कर लोगे अब तो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है एक दो क्वेश्चन में, आप देख लेना अपने आप, कौन सा क्वेश्चन आ गया, सिक्स्थ,
सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स एक्स वाई, बेटा बिल्कुल सेम है, इसे हम लिख सकते हैं सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू सिक्स। देखो पहले जैसा हो गया, अरे अपॉन में ले आए अभी तो किया था ये, इसे हम लिख सकते हैं सिक्स एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस थ्री वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू सिक्स, एक्स कटा वाई कटा, तो और करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थ्री अपॉन एक्स, तो ये बचा और ये बचा सिक्स अपॉन वाई इक्वल टू सिक्स। अगेन दूसरी इक्वेशन है टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू फाइव एक्स वाई, बेटा अगर हम इसे एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो टू एक्स प्लस फोर वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू फाइव, इसे हम लिख सकते हैं टू एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस फोर वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू फाइव, एक्स गया वाई गया और करके ये बचा फोर अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वाई इक्वल टू फाइव, एक ही है एक ही है। अब पुट कर दो वन अपॉन एक्स इक्वल टू यू और वन अपॉन वाई इक्वल टू वी, तो पहली इक्वेशन थ्री यू प्लस सिक्स वी इक्वल टू सिक्स और दूसरी इक्वेशन फोर यू प्लस टू वी इक्वल टू फाइव, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे आप आराम से। हाँ जी नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा सेवन्थ, ये कह रहा है टेन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर और फिफ्टीन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। इसमें आप पुट कर दें वन अपॉन एक्स प्लस वाई को यू और वन अपॉन एक्स माइनस वाई को वी, तो पहली इक्वेशन होगी बेटा टेन यू प्लस टू वी इक्वल टू फोर, ये गिवन था, और दूसरी इक्वेशन 15u माइनस 5v इक्वल टू माइनस टू होगी। मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट बाई थ्री एंड सेकेंड बाई टू, ऐसा करके देखो यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करके 30 हो जाएगा, इक्वल ही तो करने हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर 6v 12, 2 से मल्टीप्लाई किया था 10v माइनस 4 माइनस प्लस प्लस ये कटा 16v इक्वल टू 16, v इक्वल टू क्या आ गया 1, इसे पुट इन फर्स्ट कर दें 10u प्लस 2v की जगह 1 इक्वल टू 4, 10u इक्वल टू 2, u इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 5। अभी u और v तो निकालना नहीं था, नाउ 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू था बेटा u, और u कितना है आपका 1 अपॉन 5, तो 1 अपॉन x प्लस y इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 5, तो x प्लस y इक्वल टू हो गया 5, इक्वेशन थर्ड। हाँ जी अगेन 1 अपॉन x माइनस y इक्वल टू था v, था और v क्या आया आपका 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 1। अब इस थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ को सोल्व करके तब आएगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर दें 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, एक तो ये आंसर आ गया, इसे पुट इन थर्ड कर दें x प्लस x कितना आया 3 प्लस y, अरे ये है ना थर्ड थर्ड ही है ना भाई 3 x प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2, एक आंसर आ गया ये। हाँ जी नेक्स्ट देखें एट्थ, 1 अपॉन 3x प्लस y प्लस 1 अपॉन 3x माइनस y इक्वल टू 3 बाई 4 और दूसरी है 1 अपॉन 2 3x प्लस y 1 अपॉन 2 देखो बेटा पुट कर दो 1 अपॉन 3x प्लस y को u और 1 अपॉन 3x माइनस y को v,
तो पहली इक्वेशन तो होगी u प्लस v इक्वल टू 3/4 होगी बेटा। दूसरी देखो अपॉन में 2 है तो u अपॉन 2 माइनस v अपॉन 2 इक्वल टू -1/8। जरा यहाँ ध्यान देना, u माइनस v इक्वल टू मैंने -1/4 लिख दिया, बताओ कैसे। 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 से कट मार दिया सर। हाँ जी, मल्टीप्लाई की तो ज़रूरत ही नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड u प्लस v इक्वल टू 3/4 और u माइनस v इक्वल टू -1/4। बच्चे तू पूछ रही थी ना, देख अगर मैं यहाँ लिखूँ बाई एडिशन तो डायरेक्ट ये कट जाएगा, साइन नहीं बदलेंगे। और अगर बाई सब्सट्रैक्शन लिखूँ तो साइन बदलेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ बाई सब्सट्रैक्शन तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का। और बाई एडिशन लिखते तो v कटता, फिर साइन नहीं बदलते। अब u कटेगा, 2v इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 आ गया, तो 2v इक्वल टू 4/4 1 आ गया, v इक्वल टू 1/2 आ गया। इसे पुट इन फर्स्ट कर दो, u माइनस 1/2 इक्वल टू -1/4, u इक्वल टू -1/4 प्लस 1/2। डायरेक्ट लिख दूं 4 LCM आएगा, -1 प्लस 2 1/4 आ गया क्या। अब नाउ 1/3x प्लस y इक्वल टू यू रखा था और u आया है आपका 1/4, तो 1/3x प्लस y इक्वल टू हो गया 1/4। तो 3x प्लस y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 इक्वेशन नंबर थर्ड। अगेन 1/3x माइनस y को रखा था v आपका आया 1/2, तो 3x माइनस y इक्वल टू हो गया 2। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सोल्व कर दो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ 3x प्लस y इक्वल टू 4 है, 3x माइनस y इक्वल टू 2 है, ऐड कर दो डायरेक्ट कट गया, 6x इक्वल टू 8 6 आएगा, x इक्वल टू 1। इसे पुट इन फर्स्ट में क्यों, थर्ड में कर, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, यहीं तक आप ट्राई करें, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बार पढ़ा दिया चैप्टर, ये अब भी दिक्कत है ना तो फिर तुम्हारा इलाज नहीं है।